बेसिक नियमों का पालन करें तथा प्रशासन को सहयोग करें। आर्य समय संवाददाता जबलपुर। कोरोना संक्रमण की लौटती लहर से कलेक्टर कर्मवीर शर्मा भी ग्रसित हो गए हैं। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि तमाम सावधानियां बरतने के पश्चात भी थोड़ी सी चूक से व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। नगर निगम की पूर्व अध्यक्ष ने लगवाया कोरोना का टीका। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के 1 मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रसित नागरिकों को टीका लगाने सोमवार से जबलपुर में शासकीय एवं निजी अस्पतालों सहित टीकाकरण केंद्रों सेशन साइट की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है। ऐसा टीका लगवाने नागरिकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए किया गया है। पात्र हितग्राहियों को स्ट्रीट वेंडर योजना से लाभान्वित करें। अपर कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित एवं अनूप सिंह ने समय सीमा की बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में की। इस दौरान उन्होंने विभागवार एक एक लंबित पत्रों की समीक्षा कर कहा कि सभी जिला अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण शीघ्र ही करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की को प्राथमिकता से संतुष्टि पूर्ण तरीके से निराकरण करें। हर्ष दीक्षित ने कहा कि 300 दिनों से अधिक के लंबित प्रकरणों को निराकरण करें। कोविड के बढ़ते प्रकरणों पर उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए आवश्यक है। न्यूज 7 गनमैन की पदोन्नति पर नरसिंहपुर कलेक्टर ने बैच लगाकर दी बधाई। शासन के निर्देशों के अनुरूप गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस जवानों को रिक्त पदों पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप कलेक्टर वेद प्रकाश की सुरक्षा में तैनात वाहिनी बिस्वेल जबलपुर मध्य प्रदेश के आरक्षक 657 पूरन सिंह राजपूत पदोन्नत होकर प्रधान आरक्षक बनाए गए हैं। कलेक्टर वेद प्रकाश ने सुरक्षा में तैनात आरक्षक को बैच लगाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नरसिंहपुर जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में 3,966 लोगों का वैक्सीनेशन। नरसिंहपुर जिले में कोविड-19 के कुल 3,966 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 60 वर्ष से अधिक के 2,886 बुजुर्गों का, गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले 426 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। फ्रंटलाइन के 13 वर्कर्स को प्रथम डोज और 543 द्वितीय डोज दिया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के 9 लोगों का प्रथम डोज व 89 को द्वितीय डोज दिया गया। टीके के बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जबलपुर संभाग के मंडला जिले में मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन समाधान कार्यक्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने समाधान एक दिन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि समाधान प्रकरणों से संबंधित विभाग लंबित शिकायतों का निराकरण गंभीरता से करे। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों से जवाब मांगे। जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता कलेक्टर कार्यालय के मिनी संवाद कक्ष में विगत दिवस आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आत्मा योजना वर्ष 2020-21 की प्रगति व वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित कार्य योजना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन में क्वालिटी ऑफ डिस्पोजेबल पर जोर, सही जवाब न भरने पर बीएमओ बड़वारा का नोटिस, समय सीमा की बैठक आयोजित। लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये अधिनियम है, इसे मजाक न समझें। मैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों जिनका समय सीमा में निराकरण नहीं होगा उसके लिए पद विहित अधिकारियों को SCN जारी नहीं करूँगा, सीधे पेनाल्टी लगाऊंगा। दो टूक लहजे में यह स्पष्ट
आदेश सभी जिला अधिकारियों को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने समय सीमा की बैठक में दिए।